गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सारे अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आप सब. हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, और हम ब्लड जो टॉपिक है उसको स्टडी कर रहे थे ना, हम ब्लड को रीड आउट कर रहे थे. ओके बेटा, तो एक तो ब्लड की मैं आपको पीएच बताना चाहता हूँ, 7.4 स्लाइटली एल्केलाइन. ब्लड की पीएच क्या होती है? स्लाइटली एल्केलाइन होती है, 7.4 पीएच होती है. ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड के फंक्शंस के बारे में. ब्लड के फंक्शंस की बात करते हैं बच्चों. ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. ब्लड क्या है? एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है और वो लगातार फ्लो होता रहता है, और हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है. तो पंपिंग ऑर्गन है हमारा हार्ट. और आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे चैप्टर 18 के अंदर के एक मिनट के अंदर जो हार्ट होता है वो 72 टाइम बीट करता है, ऑन एन एवरेज 72 टाइम बीट करता है. और लगभग लगभग एक मिनट के अंदर 5500 ml हार्ट जो होता है 5500 ml यानी कि 5.5 लीटर ब्लड को पंप कर देता है. और ये फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज तक जाता है. और ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, फूड कंपोनेंट जितने भी उनका उनका जो है जो रिको जहां पर डिमांड होती है जिन टिश्यूज के अंदर वहां तक सप्लाई होती है. ओके, ठीक है ना? तो जहां डिमांड होती है वहां तक ब्लड के माध्यम से क्या होती है? सप्लाई होती है. अंडरस्टूड बेटा? तो ये एक चीज ध्यान रखना. तो अब हम यहाँ पर फंक्शंस की बात करेंगे. तो जो ब्लड है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वहां पर अटैच, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है जो ऑक्सीजन है, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड कंपोनेंट्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड का फंक्शन है, और हार्मोन्स का, जिन एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होते हैं तो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, और ब्लड में रिलीज होने के बाद में ब्लड के द्वारा फिर डिफरेंट जो टारगेट ऑर्गन है वहां तक सप्लाई होती है, ठीक है ना? तो हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, दूसरे जो इसेंशियल केमिकल्स हैं उनका ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है. ब्लड जो है एक बॉडी में बैलेंस रखता है, ब्लड के फ्लो होने से एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि हमें एकदम मेंटेन रखता है हमारी बॉडी को, है ना? नहीं तो हमारे ऊपर एटमोस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है उसके कारण से हम पिचक जाएंगे, लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से हमारी बॉडी का स्टेट मेंटेन रहता है, ठीक है ना? और इसके अलावा जो है ब्लड की पीएच जो है मेंटेन रहती है, एक बफर का भी काम करता है ब्लड, है ना? तो ये चीज है. तो ये सारी चीजें, ये सारे जो फंक्शंस हैं वो किन के हैं? ब्लड के फंक्शन है. ओके बेटा, इसके अलावा ब्लड की मैं सेल्स की बात करूँ तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का बाइंड करके ऑक्सीजन का टारगेट टिश्यू और सेल्स तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना? और रेस्पिरेशन के दौरान जो CO2 रिलीज होती है वो वापस से ब्लड में आ जाती है, कुछ पार्ट आरबीसी के हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, कुछ बाइकार्बोनेट के रूप में जो है ट्रांसपोर्ट होता है CO2, कुछ बाइकार्बोनेट आयन के रूप में CO2 ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना? अगर मैं WBC की बात करूँ तो ब्लड की सेल जो WBC है वो हमें डिफेंस प्रोवाइड कराती है, फैगोसाइटोसिस करती है, फॉरेन एजेंट्स को किल करती है, इसके अलावा एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है WBC, जिसके द्वारा हमारे अंदर एक इम्यूनिटी पावर आ जाती है, ठीक है ना? तो ये WBC का फंक्शन है. एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन या रेस्पॉन्स होते हैं वो भी WBC के द्वारा होते हैं. जो प्लेटलेट्स है बच्चों, प्लेटलेट्स के द्वारा ब्लड की क्लॉटिंग होती है, जो भी इंजर्ड टिश्यू, जो इंजर्ड पार्ट है, जो भी इंजर्ड पार्ट है वहां पर ब्लड की क्लॉटिंग किसके द्वारा होती है? प्लेटलेट्स के द्वारा होती है. तो बच्चों दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड. ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये समझ में आया. ब्लड का टॉपिक बेटा कंप्लीट होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ लिम्फ. अच्छा बच्चों एक बात बता दूं, जो ब्लड का प्लाज्मा पार्ट है उसका कलर वाइट, पेल येलो या व्हाइटिश सा होता है. लिम्फ क्या है? जब
जब कैपिलरीज में से, जब कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होता है टिश्यूज के इंटरसेलुलर स्पेसेस में, तो उस ब्लड में से आरबीसी अलग हो जाती है, प्लेटलेट्स अलग हो जाती है, और जो प्रोटीन है फाइब्रिनोजन वो अलग हो जाती है। तो पीछे जो व्हाइट फ्लूड निकलता है इंटरसेलुलर स्पेसेस में, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट इज व्हाइटिश इन कलर। लिम्फ लैक्स द आरबीसी, लिम्फ लैक्स द आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड सम ऑफ द प्रोटीन लाइक फाइब्रिनोजन। दिस व्हाइट फ्लूड इज कॉल्ड लिम्फ। ओके, और लिम्फ क्या करता है कि लिम्फ के द्वारा जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल्स हैं, उनका रिलीज होता है टिश्यूज के अंदर एंड वाइस वर्सा, यानी कि टिश्यूज से जो रिलीज होते हैं वो लिम्फ में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली लिम्फ के द्वारा हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके बेटा, तो ये लिम्फ है। तो लिम्फ एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर आरबीसी नहीं होती, प्लेटलेट्स नहीं होती, एंड सम ऑफ द प्रोटीन्स आर ऑल्सो एब्सेंट इन लिम्फ लाइक फाइब्रिनोजन। दिस इज कॉल्ड लिम्फ, दिस टाइप ऑफ फ्लूड इज कॉल्ड लिम्फ। और ये टिश्यूज या सेल्स के अंदर सब्सटेंसेस या मटेरियल्स को रिलीज करता है। ओके बेटा, इसके अलावा जो टिश्यूज से जो सब्सटेंस निकलते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं लिम्फ के अंदर। ओके, और लिम्फ के द्वारा स्पेशली हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो बेटा, ये जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है ब्लड एंड लिम्फ, वो आपके आज कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ नर्वस टिश्यू। ओके, ठीक है। तो अब मैं जो फोर्थ ले रहा हूं वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, ठीक है। मैं पहले स्केच बना देता हूँ न्यूरॉन का, फिर काफी सारी टर्म्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। हम पहले न्यूरॉन की स्केच को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। आप भी मेरे साथ में ड्रॉ कीजिए।
ये देखिए बेटा, स्केच है ये, और न्यूरॉन का ये डेंड्राइट पार्ट है, ये बेटा अपन स्केच मैंने ड्रॉ किया है न्यूरॉन का, और अभी अपन इसको डिस्कस करते हैं। इससे रिलेटेड कई सारी टर्म्स हैं जो जो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू न्यूरॉन हो गया है ना, नर्व नर्व फाइबर्स, ओके, नर्व नर्व हो गया, और न्यूरी लेमा, न्यूरी लेमा स्वान सेल, ठीक है, चलिए एक बार इसको देखते हैं। मैं ना बच्चों, हम नर्वस टिश्यू डिस्कस कर रहे हैं। जो नर्वस टिश्यू है
ये बने होते हैं नर्व सेल के या न्यूरॉन के। ओके, तो जो नर्व सेल है जिसे हम नर्व न्यूरॉन भी कहते हैं, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस टिश्यू की, नर्वस सिस्टम की। नर्वस टिश्यूज के द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, हमारा ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और जितना भी न्यूरॉन का जो सिस्टम है वो सारा बनता है। ओके बेटा, और नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी का कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, हम वॉलंटरी या इनवॉलंटरी हमारे सारे ऑर्गन्स कंट्रोल्ड रहते हैं। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा पॉसिबल होता है। नर्वस सिस्टम का एक और फंक्शन यह है कि जो इम्पल्सेज हैं, जो सेंसेशंस हैं, वो हमें महसूस करवाता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है। हमारी जो नर्वस सिस्टम की जो ब्रांचेज हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो सेंसेशंस को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है, जिससे हमें फीलिंग होती है कि क्या हो रहा है अपने आसपास, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जो नर्वस सिस्टम है, हमारे एक्सटर्नल एनवायरमेंट में और हमारे इंटरनल एनवायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में हमें इन्फॉर्म करता है। ओके बेटा, तो हम पहले सबसे पहले डिस्कस करेंगे न्यूरॉन के बारे में। जो न्यूरॉन है बेटा, ये बच्चे के जन्म के बाद ही डेवलप हो जाती है और ये जीवन में कभी भी डिवीजन नहीं करती है, वो वैसी ही रहती है, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, इनमें सेंट्रोसोम्स नहीं पाए जाते। तो जो न्यूरॉन होती है उनमें कभी डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्केच ऑफ अ न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसका। बच्चों ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं साइटोन और सेल बॉडी। क्या कहते हैं? साइटोन और सेल बॉडी। इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसे हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म, और ये इसका न्यूक्लियस है, और इनके बाहर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं निसल ग्रेन्यूल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, जो कि फ्रेगमेंट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, विच हैविंग द राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ये क्या है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्रेगमेंट्स है जिनके साथ में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? निसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं, और ये न्यूरॉन के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। इसके अलावा जो फाइबर्स हैं साइटोन के अंदर, इन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स कहते हैं। अब साइटोन से बच्चों कई सारे प्रोसेसेस एमर्ज होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे प्रोसेसेस एमर्ज होते हैं। तो जो शॉर्ट प्रोसेसेस हैं, जैसे कि ये जो शॉर्ट प्रोसेस हैं ये वाले, इन्हें हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट कहते हैं, और डेंड्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्रॉन कहते हैं। और एक लॉन्ग सिंगल प्रोसेस पाया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एक्सॉन कहते हैं, जो कि नर्व फाइबर से मिलके बने होते हैं और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम एक्सॉन कहते हैं, और इसका ये जो पार्ट जहां से एमर्ज होता है, ये इसे दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलक, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलक, इसे हम एक्सॉन हिलक कहते हैं। और इनको इनको जो सेल्स सराउंड करती है ना, इनको जो सेल्स सराउंड करती है, अच्छा, एक्सॉन के ऊपर फैट का डिपोजिशन पाया जाता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पर जो न्यूरॉन्स हैं उनके एक्सॉन के बाहर एक फैट का डिपोजिशन होता है, फैटी डिपोजिशन होता है। इस डिपोजिशन को हम क्या कहते हैं? मेडुलरी सीथ और माइलिन सीथ कहते हैं। दिस इज नोन एज मेडुलरी सीथ और माइलिन सीथ। और इनको जो ये सराउंड कर रही है सेल्स, तो इनको हम न्यूरीलेमा कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? न्यूरीलेमा कहते हैं। और न्यूरीलेमा के अंदर जो सेल्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वान सेल्स या ट्यूब सीथ सेल्स कहते हैं। तो जो स्वान सेल्स हैं वो रिलीज करती है फैट को। किसको रिलीज करती है फैट को? मेडुलरी सीथ को। तो इस तरीके से, तो स्वान सेल, फिर यहाँ स्वान सेल, फिर यहाँ, तो एक के बाद एक एंड टू एंड स्वान सेल्स पाई जाती है। और जो आउटर पार्ट है उसका, वो न्यूरीलेमा कहलाता है, और इनके द्वारा फैट का रिलीज होता है जो कि मेडुलरी सीथ के रूप में डिपोजिट हो जाता है। और कहीं कहीं जहां फैट का डिपोजिशन नहीं पाया जाता, कहीं कहीं नहीं पाया जाता, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? रेनवियर्स नोड कहते हैं। तो नोड्स ऑफ रेनवियर है ये जो एंड है, इन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। एक नोड और अगले नोड, इनके बीच का जो पार्ट है वो इंटर नोड कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटर नोड कहलाता है। और एक्सॉन का जो फॉर्मेशन है वो नर्व फाइबर्स एंड प्रोटीन से होता है। ओके, और ये जो एंड्स हैं, जो एक्सॉन है वो जब टर्मिनली एंड होता है तो कई सारी ब्रांचेज में एंड होता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल एंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन टर्मिनल एंड्स कहते हैं। और ये जो है, इन्हें हम क्या कहते हैं? नोब कहते हैं। तो ये क्या है? सिनेप्टिक नोब कहलाती है। क्या कहलाती है? सिनेप्टिक नोब कहलाती है।
और सिनेप्टिक नोब्स के अंदर बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और कुछ सिक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स होते हैं, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड और एंड एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन एंड ग्लूटामिक एसिड, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि सिनेप्टिक नोब्स के वेसिकल्स में पाए जाते हैं। तो बच्चों एक न्यूरोन जो अगली न्यूरोन का जो अरेंजमेंट है, तो इस न्यूरोन के सिनेप्टिक नोब और अगली न्यूरोन के जो डेंड्राइट हैं वो आपस में जंक्शन बनाते हैं, ठीक है ना। तो सिनेप्टिक नोब एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरोन, द जंक्शन ऑफ सिनेप्टिक नोब एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरोन इज कॉल्ड सिनेप्स। इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, जो सिनेप्टिक नोब्स हैं और अगली न्यूरॉन के जो डेंड्राइट के बीच का जो जंक्शन है दैट इज कॉल्ड सिनेप्स, इसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ओके बेटा, तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर थी। अब यहां पर हम बात करते हैं नर्व फाइबर्स की, है ना। नर्व फाइबर्स क्या है कि कई सारे जो न्यूरो फाइबर्स हैं या जो नर्व फाइबर्स हैं, है ना, वो आपस में मिल जाते हैं तो बंडल बना लेते हैं, बंडल बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं, ठीक है बेटा। और एक चीज ध्यान रखना, मैं यहां पर दो तीन टर्म बता रहा हूं। एक तो एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, फिर हम लेते हैं पेरी न्यूरियम एंड एपीन्यूरियम, ठीक है बेटा। तो अब देखिए आप, एंडोन्यूरियम क्या है कि जो नर्व का बंडल है, उस बंडल को जो थिन मेम्ब्रेन सराउंड करती है, नर्व के बंडल को जो थिन मेम्ब्रेन सराउंड करती है, तो उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, एंडोन्यूरियम कहते हैं। उस थिन मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं बेटा, एंडोन्यूरियम कहते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है आपके। इसके बाद में जो एक बंडल के सबसे बाहर जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू है, उस व्हाइट फाइब्रस टिश्यू को हम क्या कहते हैं, पेरिन्यूरियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिन्यूरियम कहते हैं। ओके बेटा, और जितने भी कई सारे जो बंडल्स होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, तो जितने भी बंडल्स हैं उन सबको जो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू कवर करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिन्यूरियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम एपिन्यूरियम कहते हैं। इसके अलावा जो नर्व बंडल्स हैं उनको सराउंड करने वाली जो सेल्स होती हैं, न्यूरोग्लिया और ठीक है बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो नर्व बंडल्स हैं उनको सराउंड करने वाला जो सेल्स होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया और ग्लियल सेल्स कहते हैं। इन्हें हम पैकिंग सेल्स भी कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पैकिंग सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। एक ये चीज हो गई, काफी सारी टर्म्स हैं जो कि हम डिस्कस करें। एक होता है गैंग्लियन, गैंग्लियन क्या है। अच्छा बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जिन न्यूरॉन्स के अंदर मेडुलरी सीथ या माइलिन सीथ पाई जाती है उन्हें मेडुलेटेड न्यूरॉन या माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, है ना, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती उन्हें हम नॉन मेडुलेटेड कहते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पर नॉन मेडुलेटेड न्यूरॉन पाई जाती है, ठीक है बेटा। और जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें मेडुलेटेड न्यूरॉन पाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद लेते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन क्या है कि जो नर्व सेल बॉडीज है इनके एग्रीगेशन को, नर्व सेल बॉडीज के एग्रीगेशन को हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हम गैंग्लियन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टर्म है ग्रे मैटर, ग्रे मैटर क्या है बच्चों। जो ग्रे मैटर है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, जो ग्रे मैटर है वो हमारे
ब्रेन और स्पाइनल कोड कॉम्पिटिशन का पार्ट है ये, ग्रे मैटर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाया जाता है और इनके अंदर जो है स्पेशली सेल बॉडीज ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेल बॉडीज पाई जाती है, तो उनका अपीयरेंस डार्क आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? डार्क आ जाता है, ठीक है ना। तो इससे हम क्या कहते हैं? ग्रे मैटर कहते हैं। जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पर व्हाइट मैटर पाया जाता है, क्योंकि वहां पर जो न्यूरॉन्स होती है वहां पर एक्सोन का एग्रीगेशन ज्यादा होता है, वहां पर एक्सोन पार्ट ज्यादा पाया जाता है, तो इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? व्हाइट मैटर कहते हैं। तो ये है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में हम फर्स्ट लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और कनेक्टर न्यूरॉन। ओके, तो अब सेंसरी न्यूरॉन क्या है बच्चों? जो सेंसरी न्यूरॉन है हमारे ऑर्गन से, हमारे हाथ या पांव या कोई ऑर्गन है या ग्लैंड है, वहां से जो इंपल्स है उनको सेंस करके वहां से ट्रांसमिट करती है स्पाइनल कोड में, देन फिर ब्रेन में, ना। तो ऐसे न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं, जो कि कन्वे करती है हमारे इंपल्सेस को, ठीक है ना। सेकंड लेते हैं मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन जो होती है वो स्पाइनल कोड से हमारे टारगेट ऑर्गन तक ऑर्डर इंपल्स को लाती है। क्या लाती है? ऑर्डर इंपल्सेस को ट्रेवल करके कैरी करके लेके आती है टारगेट ऑर्गन तक। तो ऐसी न्यूरोन को हम कहते हैं मोटर न्यूरोन, दिस इज कॉल्ड मोटर न्यूरोन। फिर लेते हैं हम रिले न्यूरोन। रिले न्यूरोन या कनेक्टेड न्यूरोन क्या है? जो सेंसरी न्यूरॉन ये हमारे स्पाइनल कोड में पाई जाती है, और ये सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक कनेक्शन बनाती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रिले न्यूरॉन और कनेक्टेड न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हम रिले न्यूरॉन और कनेक्टेड न्यूरॉन कहते हैं। ओके, कुछ क्लियर हुआ बेटा? चलो, ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हो गया। और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। Types of neuron on the basis of structure. तो इसमें बेटा first लेते हैं हम multipolar neuron. Okay. Second हम लेते हैं bipolar neuron. और थर्ड हम लेते हैं बेटा हम यूनिपोलर ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, मल्टीपोलर न्यूरॉन, बाईपोलर न्यूरॉन एंड यूनिपोलर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये तीन टाइप हैं। और बच्चों टाइम कम बच रहा है, इसको अपन कल डिस्कस करेंगे, इन तीनों टाइप्स को कल डिस्कस करेंगे। कुछ और टाइप्स भी हैं जो कि हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।